तो हम आ गए हैं इस वक्त सोयाबीन के प्लेटफॉर्म पर। सोयाबीन की आवक भी मंडी में बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं, मेरे बगल में जो हिस्सा है ये पूरी तरह से सोयाबीन का भरा हुआ है, और मेरे जो इस साइड ये भी प्लेटफॉर्म पूरा सोयाबीन का भरा हुआ है। मेरे जो पीछे वाला जो हिस्सा है उधर किसानों की उपज नीलाम हो चुकी है, हम किसानों के पास जाकर चर्चा करेंगे। और इधर जो है किसान उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उन्हें अपनी उपज के सही दाम मिलेंगे। क्या भाव गए? 1.60 रुपए किलो बीज बेची, तो सही दाम नहीं मिले। कहाँ मिले, मजदूर काटने का पैसे भी नहीं मिले काटने के। हमारा तो गेहूं 1700 रुपए कुंटल, और खाद के लेने के लिए जाओ 2400 रुपए। ये क्या भाव है? सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से तो मांग यही है कि कल तो किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए, ये बेनिफिट कुछ भी नहीं मिल रहा है। इससे तो जमीन हड़प कर लेना चाहिए सरकार को, तो कुछ भी नहीं मिलता है। 5 बीघे में 3 बोरी सोयाबीन हुई, अब के सही दाम नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में आप क्या करोगे? कई कर सकता, कहीं कर सकता, कई कर सकता। सरकार होने वाले तो कोई है ही नहीं, पाया वाले ही सरकार है। पटवारी आते हैं, पैसे वाले आते हैं, उनके जाके हम लिख देते हैं, और गरीब आदमी कहते हैं हमारे यहाँ लिखो, कहना तुम्हारे यहाँ नहीं लिखेंगे हम। अभी हुआ हमारे यहाँ पे पैसे वाले के 100 बीघे जमीन उनका बिल्कुल लिख रखा है, हाँ इनके नुकसान है ना। 3 बीघे वाले का कुछ भी नहीं लिखा, अभी भी नहीं लिखा है। अभी जो बेमौसम बारिश हुई थी, सोयाबीन में नुकसान हुआ है आपके? हुआ, बिल्कुल हुआ। तो आपके कितने परसेंट पटवारी ने जो है नुकसान दर्ज किया? 1% नहीं लिखा उन्होंने, 1% लिखा है। सुनने के लिए तैयारी नहीं होता। सर्वे के लिए भी नहीं आया आपके गाँव में? आया है, पैसे वाले का वहाँ सर्वे कर लिया, जो पैसे वाला है उनके सर्वे कर, गरीब आदमी तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे साथ और भी किसान है, क्या नाम है आपका? भंवरलाल। कहाँ से आयो? पिंगराला। क्या लेकर आए हो दलोदा मंडी उपज? ये मेरा अलसी लेके आया। तो क्या भाव बिकी आपकी अलसी? 6100 बिकी। सही दाम मिले? हाँ सर, अच्छा अभी तो अच्छे चल रहे हैं। और पहले भी लेकर आए तो क्या? आए थे तो पहले 5800 बिकी थी, अब सही दाम मिले। और अच्छे दामों की आप मांग करते हो? अच्छे दाम तो चाहिए, क्योंकि हमारी मेहनत ज़्यादा लग रही है किसानों के। तो मेहनत के हिसाब से सही मिले? के हिसाब से कम मिल रहे हैं पैसे, जितनी लागत हो रही है उससे कम मिल रहा है। और अधिक मिले आप? हाँ जो अधिक तो मिलना चाहिए, लागत ज़्यादा हो रही है। अभी मजदूरी 400 रुपये से कम नहीं आ रही आज, मजदूर 500 रुपये सोयाबीन काटने 500 ले रहा है, नहीं 4500 बेचेंगे तो क्या बेचेगा किसान के पास? औसत क्या दी आपकी? औसत तो तीन चार की औसत निकली है। कम निकली या सही निकली? नहीं ठीक है, औसत तो ठीक निकली है, तीन चार कोई अबे वो पड़तल रे साहब। हाँ एक जना चार नहीं गिने, एक जैसे सोयाबीन लेके आए। आपका क्या नाम? मेरा नाम श्याम सिंह है। कहाँ से आए? सेमलिया हीरा से। क्या लेकर आए हो मंडी? मैं सोयाबीन लेके आया हूँ। क्या भाव बिकी आपकी सोयाबीन? सोयाबीन अभी सर बिकनी है मेरे पास, लेकिन पहले इससे पहले 4700 बिकी थी, और इसमें आवक 2.5 बोरी सर मेरे बिघे की हुई है। इसमें खर्चा आप जोड़ लो 2000 से लेकर 2200 रुपये, मतलब ये काटने के मजदूर लागत है ना, लागत भी पूरी नहीं मिल रही है। और 10000 रुपये कुंटल के हिसाब से मैंने इसमें बीज बोया था, लाके उसमें बाद 3 बार दवाई स्प्रे की अपने खरपतवार की, उसके बाद एक करपनी अपनी वो की, उसके बाद फिर निकाल गया मतलब 1300 रुपये 1400 रुपये घंटे निकालने के ले रहे है ना। तो कुल मिला के इसमें खर्चा भी नहीं बैठ रहा हमारा। हमारी सोयाबीन कम से कम अगर ये सोयाबीन सूखी 5500 से 6000 अगर जाएगी तभी हमारा खर्चा, और फिर ये जो अगली फसल आ रही है इसमें भी लगाना पड़ रहा है। अभी की स्थिति ये है कि मैंने सोयाबीन सब बेच दिए, इसमें खाद भी नहीं ले पाया हूँ मैं इस फसल में। दीपावली का त्यौहार भी नज़दीक है, मनाना नज़दीक है, बच्चों की वगैरह की फीस भी भरना है हमको, है ना सर। और जो पुराने यानी कि लेन देन के पैसे वगैरह जिससे उधार लिया अपने खेती वगैरह खर्चे में लाए वो भी देना है। कुल मिला के हमारे ये कि इसमें कुछ भी नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं मिला। जो कर्ज ले रखा हमने, कर्ज हो गया वो भी चुकाना है, वो भी चुकाना, वो भी नहीं चुका पाए, ब्याज भी नहीं दे पाए, तो फिर अगला फिर वो हमको कौन देगा सर, है ना। तो इस हिसाब से खेती चलाना बहुत मुश्किल हो रही है। मिला के किसानों के जेब में पैसे नहीं बच रहे हैं? पैसे भी नहीं बच रहे सर। प्रधानमंत्री जी जो पीएम किसान निधि जो उन्होंने चला रखी 11:30 बजे लगभग वो किस्त आनी थी, वो आ गई आपके खाते में? यानी अभी नहीं आई है सर। मैसेज आ गया होगा ना, चेक करो। नहीं आया सर मैसेज, नहीं आया। क्या सर एक मेरा कहना है, मतलब अगर वो 2000 रुपये डाल दें उससे किसान के हो क्या रहा है? मेरे ख्याल वो मैं मान रहा हूँ, मैं इधर भाव नहीं मिल रहे और अब आप 2000 रुपये दे रहे हो तो इससे क्या होगा सर, है ना। सरकार सहयोग तो कर रही है, थोड़ा बहुत तो कर रही है, सहयोग कर रही है, पर इतना नहीं हो पा रहा है। हमारे तो 2000 रुपये सम्मान निधि वगैरह नहीं चाहिए हमको, तो हमारे खरीफ पसीने की फसल के भाव उपज के भाव सही मिल जाए ये भी चाहिए हमको, अपनी फोकट की नहीं या मुफ्त की नहीं चाहिए, है ना सर। हम तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ सरकार से, हमारे जैसे अभी सोयाबीन में आपके कहना चाहता हूँ कि सोयाबीन है अभी या 47, 45, 46 यही जा रही समथिंग 44 से लगा के, और इसके बगैर 2 महीने में अगर भाव अगर गिर गया तो हमारे पास तो सोयाबीन रहेगा ही नहीं,
अब वो चाहे 55 जो 6 हज़ार बिक जाए, हमारे किस काम की? हमारे तो अभी बेचा चाहिए, दो महीने भाव रह जाए 6 हज़ार तक, हमारे ये पड़तल हो जाए तो खोवे। लहसुन लगा रखी थी पिछली बार खेत में? पिछली बार लगा लहसुन मैंने, एक बार तो अभी सर बेच दिया 400 के भाव और एक 800 के भाव बिकी, वो भी बेच दिए। तो लहसुन का तो यूँ हुआ कि 15 हज़ार रुपये महीने हमारा, मतलब एक बीघे का खर्चा हो गया 15 से 20 हज़ार रुपये, और आए कितने 5 से 7.5 हज़ार रुपये, वो भी 20 हज़ार सब काट के। और खर्चा अगर जोड़े तो हमारे मजदूर वगैरह, जो मजदूर भी लगाना पड़ते हैं, कुछ भी नहीं मिला उसमें, लगते 15 से 25 खर्चा लगता है मिला के। जो आए आपकी जेब से और पैसे गए हैं? हाँ, तो 15-20 हज़ार रुपये और गए हमारे जेब से। हमने बीज भी खरीदा था, वो अपना लहसुन लगाने के लिए मजदूर भी खरीद, वो भी लगाए, उसके लिए उखाड़ने के लिए वो भी लगाए, फिर उसको काटने के लिए वो लगाए, फिर उसमें सफाई करने के लिए वो मजदूर लगाए, यहाँ लाने के लिए हेमाल वगैरह ये सभी उनका, तो कुल मिला के हमको कुछ भी नहीं मिला। लहसुन कम से कम सीजन में 4 हज़ार से 5 हज़ार बिक जाए तो हमारा पड़ता है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। पिछली बार जो ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ था, तो वो आपके गांव में भी हुआ था नुकसान? हाँ सर, हुआ था वो। उसका हमारी खड़ी जो फसल थी सर, लीली जो आने की वजह नहीं थी, वो जैसे ही वो ओला गिर पहले आ गई, यानी बीज मतलब क्वालिटी बिगड़ गई थी, उसमें माल बिगड़ा भी सही हमारे, है ना। तो उसका मुआवजा वुआवजा कुछ सरकार ने दिया? मुआवजा तो आया था सर। क्या एक बीघे का कितने रुपए मुआवजा? तो नहीं आया लहसुन के, तो नहीं आया, एक रुपए भी नहीं आया। अन्य फसलों के देखा जाए तो क्या आया? हमारे 1200 रुपए मतलब बीघे के हिसाब से। सरकार से और कुछ मांग करोगे? मांग तो मैं यूँ सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारे उपज के भाव बढ़ा दे, यही चाहिए हमको। तो ये मुफ्त की दूसरी ये पैसे हमारा नहीं चाहिए, हमारा तो सिर्फ ये खरीफ फसल की कमाई है, उपज के ये भाव दे दे बस। क्या नाम है आपका? राजेश फरदा। कहाँ से आयो? चिकलाना से। क्या लेकर आयो दलोदा मंडी? ये सोयाबीन लेकर आया हूँ मैं। क्या भाव बिकी पर्ची बताइए? ये 4500 भाव। 4500 है। और ये रतलाम जिले के गांव चिकलाना के किसान हैं और इनकी ये उपज है 4500 के भाव दलोदा मंडी में बिकी है। तो क्या लगता है आपको सही दाम मिले? बहुत कम लगा है मंडी में भाव। ये सोयाबीन 4700 के लगभग तो जानी चाहिए थी। 4600 में जावरा मंडी में बेच कर आया था 5-6 दिन पहले, यहाँ पर वो भाव कहा है जावरा से। क्या भाड़ा देकर आए हो आप यहाँ? भाड़ा 70 रुपये लगता है पिकअप का। क्या लगता है आपको क्या मिलता है सोयाबीन में? लागत के हिसाब से? लागत के हिसाब से कुछ नहीं बचता है। दीपावली का, दीपावली हो जाएगी इतने पैसों में? सिर्फ दीपावली ही होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। खर्चा पानी बड़े मुश्किल से उठता है। तो इसके दाम सही नहीं मिले तो अब क्या करोगे आप? क्या करें, अगली फसल का फिर वेट करेंगे? अगली फसल तक आप वेट करोगे? इतने घर खर्चा कैसे चलाओगे? फिर उठा पटक कर्जे लेंगे। आपका क्या नाम? दिनेश कुमार। क्या लेकर आए हो मंडी? सोयाबीन लेके आया हूँ। क्या भाव बिकी आपकी सोयाबीन? 4500। सही दाम मिले हैं आपको? बिल्कुल नहीं मिला है। जब बोई थी उस टाइम पे 8,000, 9,000, 10,000, और जब किसानों के पास सोयाबीन आई है तो वो 3,000, 2,500, 4,000 गीली है, सूखी है, नहीं है, ऐसे कर रहे हैं। और क्या बीज के लिए क्या भाव लेकर आपने आपके खेत पे लगाई थी? 9,000, 10,000। सरकार से क्या मांग करोगे आपके अच्छे दाम मिले आप? अरे पहली बार तो ये है कि सरकार जो मतलब फसलें इस पानी की वजह से जो खराब हुई है उसका मुआवजा तो दे कम से कम। अरे मुआवजा छोड़ो, कम से कम जो बीमे जो हमने किसान जो कटता है बीमा केसीसी का बीमा तो दिलवाए, वो तो हमारा हक है। उसमें कौन सरकार को देना पड़ रहा है? हमने बीमा करवाया, बीमा पास करवाया, क्लेम पास करवाया हमारा के। अभी नुकसान हुआ है जो बेमौसम बारिश हुई इससे बहुत नुकसान हुआ है। भले किसे बोले, सोयाबीन देखो ना सब काली काली, काली दिख रही, सिर्फ देखो आप मजदूर 500, 550, 600 रुपए मजदूर मिलता है काटने के लिए। अब कैसे क्या करे किसान, क्या करेगा? लहसुन का भाव देखो आप 200 रुपए, 300 रुपए कुंटल नदी में फेंक रहा है किसान। बहुत स्थिति खराब है। वोट बैंक बना रखा है किसान लोगों को, बस के वोट बैंक है और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी किसान पीएम निधि जो उन्होंने चला रखी है, उसकी किस रिलीज होने वाली थी, तो आपके अकाउंट में पैसे जमा हो गए? अभी दिन हुए ने, चलो 2,000 रुपए वो 6,000 रुपए साल के डाल रहे हैं। खाद पहले 1,000 था, आज 1,500-1,600 कर दिया। 195 रुपए में जो यूरिया मिला था उसको 250-300 कर दिया। ना पोटास ना खाद मिल रहा है, और खाद का रेट देखो ना क्या हो रहा है। 6,000 में 6,000 दे के 20,000 घाटे में डाल दिया खाद बीज पे बढ़ा के, हर चीज तो महंगी कर दी। क्या हो रहा किसान सम्मान निधि से बताओ ना आप? जो 1,000 रुपए की बोरी मिलती है 1,500 रुपए बोरी मिल रही। थोड़ा बहुत ही सहयोग तो कर रही है। सहयोग मैं बता तो रहा हूँ आपको, सहयोग ये कर रही है। उन्होंने मान लो 6,000 रुपए एक साल के दिए। अब किसान अगर 6 बोरी डीएपी डालेगा, पहले 1,000 मिल रही थी तो 1,500-1,800 मिल रही है। मतलब 6,000 से गैस जो 600 मिल रही थी वो 1,100-1,200 में, तो वो 6,000 दे रहे तो 6-18 हज़ार ले रहे हैं, ले जाता रहे हैं। बस यही है, किसान इसी वजह से पीछे जा रहा है क्योंकि उसकी लागत का मूल्य मिल नहीं रहा है। आप लहसुन देख लो क्या भाव बिक रहा है, आपने देखा होगा मंडी में जाके क्या भाव बिक रही है। अरे 200 रुपए ने कोई बेचारे फेंक के भी गए, मेरे सामने तो कुछ फेंक के भी गए हैं। क्या करेंगे वो
50 रुपए क्विंटल में क्या रहे, भाड़े भी के पैसे भी ना रहे हैं, बहुत स्थिति खराब है साहब। जो होगा ऊपर वाला जो करेगा अब सही है, अब हम क्या करें। दीपावली का त्योहार भी है, खुशियों का त्योहार, दीपावली तो किसान की दीपावली तो खेत में ही होगी, खेत में क्या बेच रहे हैं, कोड़े के भाव लेने कुछ भी ले बेच ही रहा है बेचारा, क्या करे। क्या नाम है आपका? किशोर ठाकर। कहाँ से आये? बड़वन। क्या लेकर आए उपज? सोयाबीन। क्या भाव बिके आपके सोयाबीन? 4600। अच्छी बताइए 4600। ये सोयाबीन है, क्या लगता है सही दाम मिले? सही दाम है, ठीक है, अलग ही पर थोड़े से 5000 तक बिकते तो अच्छा रहता, थोड़े मतलब 1000 और अधिक बिकती तो और अच्छा रहता, ठीक रहता वो, बाकी तो ठीक है, अच्छे दाम मिले। हाँ अच्छे दाम मिले। क्या नाम है आपका? कांतिलाल धाकर। कहाँ से आए? लद्दूसा से। क्या उपज लेकर आए हो मंडी? मेथी लेके आए। क्या भाव बिकी आपकी मेथी? मेथी बिकी 4042। पर्ची बताइए। ये 4042 जो है और इनकी जो है मेथी है 4042 दलोदा मंडी में बिकी है। आपने जो दिन रात मेहनत करी है उसके हिसाब से सही दाम मिले? नहीं मिले। क्या दाम आपको लगभग मिलने थे? कम से कम 5 से 6 हज़ार पहले बिक रही थी, वही रेट होना चाहिए था। अच्छा, आपने पहले भी मंडी बेची है तो पहले क्या दाम मिले थे आपको? पहले बिकी थी 5000। अच्छा, तो इस बार और जो है 1000 कम गई है, तो क्या सरकार से क्या मांग करोगे कि आपको अच्छे दाम मिले, उसके लिए क्या कहोगे? यही कि वही पुराने दाम जो है वो मिल जाए, वही बहुत है, ये तो बहुत कम दाम हो गए। जो मेहनत करी है वो भी आपको नहीं मिले? नहीं मिले।